थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जो हर कोई यहाँ पे आना पसंद करते हैं। जो लोग घूमना पसंद करते हैं उनके बकेट लिस्ट में थाईलैंड तो रहता ही है घूमने जाने के लिए। और थाईलैंड आके आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, अगर आप लोग आ रहे हैं 7 to 10 days के लिए या 2 हफ्ते के लिए, तो वो सारे लिस्ट यहाँ पे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। उसमें से हम लोग शुरू करते हैं बैंकॉक से। बैंकॉक जो मेन सिटी है थाईलैंड का, जहाँ पे आके आप हर कोई जगह पे जा सकते। अगर आपको घूमने जाना है फुकेट, पताया, चेंग माई, चेंग राय या तो फिर और कोई भी जगह पे, तो आपको बैंकॉक से ही ट्रांजिट करना पड़ेगा। यहाँ से या तो आप लोग जा सकते हैं फ्लाइट लेके या फिर रोड ट्रिप भी कर सकते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. घूमने जाना है तो आपको मेन ट्रांजिट लेना पड़ेगा बैंकॉक से। बैंकॉक इज द मेन सिटी ऑफ थाईलैंड। सो ये जो बैंकॉक सिटी है, इसमें तो बहुत सारे ऐसे घूमने जाने के लिए जगह है। अगर आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है या 3 दिन के लिए, तो डेफिनेटली आपके बकेट लिस्ट में जो सब जगह रहना चाहिए वो मैं आपको बोल रही हूँ। तो इसमें से आप देखिए, जो मेन ये सिटी है इस पे आप लोग आते ही देख सकते हैं जो छाव फ्राया रिवर है। छाव फ्राया रिवर के आसपास में ही आपको बहुत सारे टूरिस्ट जो स्पॉट है वो मिल जाएंगे। जैसे आपको अगर वाट फो जाना है, ग्रैंड पैलेस जाना है, और ग्रैंड पैलेस विजिट करने के टाइम ही आप वाट फो सेम डे पे विजिट कर सकते हैं। वाट फो के साथ जस्ट अक्रॉस द रिवर आप वाट अरुण भी विजिट कर सकते हैं। आप लोग बोट लेके जस्ट क्रॉस कर सकते हैं रिवर, देन यहाँ पे आप लोग इजीली आ सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सुंदर आपको आर्किटेक्चर दिखने को मिल जाएंगे। एंड देन ये जो टेम्पल है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग लेट आफ्टरनून में आइए, तो यहाँ पे जो सनसेट का व्यू होता है ये बहुत सुंदर होता है। ये जगह आने के लिए आप बोट ले सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे जो ग्रैब ऐप यूज होते हैं, जो लोकल ऐप है यहाँ का, वो जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें आप लोग प्राइवेट कार बुकिंग कर सकते हैं होल डे के लिए भी, या तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। इसके बाद आप लोग चूज कर सकते हैं और भी जगह घूमने के लिए। उसमें से बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, जैसे सफारी वर्ल्ड है, इट्स अ जू, बट इसमें आपको एक फुल डे ऑलमोस्ट चला जाएगा, जो आप लोग दिन में अराउंड 8 से 9 बजे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद पूरा सफारी वर्ल्ड घूमने के लिए आपको करीब 5 से 6 बजे ऐसे टाइम लग सकता है घूमने के लिए। अगर आप ये जगह स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग दूसरे जगह पे जा सकते हैं बैंकॉक के लिए, क्योंकि जो भी बैंकॉक आते हैं उसके लिए बकेट लिस्ट में शॉपिंग तो रहता ही है। यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स है जो बहुत पॉपुलर है सबके लिए, जैसे सेंट्रल वर्ल्ड है, सियाम पैरागॉन है, टर्मिनल 21 है। बट शॉपिंग मॉल्स को छोड़ के भी आप लोग और जगह पे जा सकते हैं फॉर लोकल शॉपिंग, लाइक स्ट्रीट शॉपिंग, या तो प्रातुनम, जहाँ पे आपको होलसेल रेट या तो सस्ते रेट में मिल जाएंगे लोकल बहुत सारे चीजें, लाइक गारमेंट्स मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगा, बैग्स एंड ऑल। इसके बाद फूड के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं स्ट्रीट फूड ऑल्सो। अगर आपको पसंद है थाई फूड्स और अगर आपको लोकल फूड्स ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू मस्ट ट्राई स्ट्रीट फूड ऑल्सो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिशेस है जो थाई क्विजिन है, ये पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड में, तो यू मस्ट ट्राई थाई क्विजिन।
करते हैं बैंकॉक के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अगर आप लोग बैंकॉक के प्राइवेट कार बुकिंग नहीं करना चाहते हैं और सस्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं, देन बैंकॉक के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इज वेरी वेल कनेक्टेड विद एवरी ऑल डेस्टिनेशन। जितना भी टूरिस्ट स्पॉट है आप लोग बैंकॉक के लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करके जा सकते हैं। उसमें से मोस्ट पॉपुलर है BTS जो स्काई ट्रेन है। स्काई ट्रेन आप इजीली कहीं से भी मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे आप इजीली जा सकते हैं। और स्काई ट्रेन के बाद आपको मिल जाएगा MRT जो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है, एंड इसके साथ आपको जो बसेस है वो भी AC non-AC भी मिल जाएंगे। एंड इजीली आप लोग जा सकते हैं, किसी के भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप लोग स्टेशन में काउंटर में पूछ सकते हैं कि मुझे ये जगह पे जाना है, जैसे सियाम पैरागॉन, तो कौन से स्टेशन पे मुझे उतरना है, सो दे विल हेल्प यू। इसके बाद आप लोग ले सकते हैं टुक टुक। ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव है अदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के। जैसे टैक्सी रेट है सेम टुक टुक के भी है, बट ये मीटर से नहीं, ये आपको एक फिक्स चार्ज करेंगे। बट आप लोग निगोशिएट हमेशा कर सकते हैं। बट टुक टुक के राइड अगर आप लोग एक्सपीरियंस के लिए लेना चाहते हैं, देन आई मस्ट से कि आप लोग को एक बार तो टुक टुक के राइड लेना ही चाहिए बैंकॉक में। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन जैसे बोट के साथ साथ आप लोग एक बार क्रूज डिनर भी ट्राई कर सकते हैं। इसके टिकट्स आप लोग ऑनलाइन या तो फिर कोई भी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एंड देन आपको अगर बैंकॉक से कोई नियरेस्ट सी बीच घूमना है, देन यू कैन गो टू पताया सी बीच, जो मोस्ट पॉपुलर सी बीचेस में से एक है टूरिस्ट के लिए। पताया जाके वहाँ से आप लोग कोलान आइलैंड भी घूमने जा सकते। वहाँ का नाइट लाइफ, वहाँ का सी बीचेस, फूड, शॉपिंग, एवरीथिंग यू विल एंजॉय। पताया के बाद अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, 10 to 12 days है, देन यू मस्ट विजिट फुकेट एंड क्राबी जो साउथ साइड में है थाईलैंड के। बाय फ्लाइट आप लोग जा सकते हैं बैंकॉक से, जो 1 to 1.5 hours की जर्नी है। अगर आप लोग रोड ट्रिप करना पसंद करते हैं तो बाय रोड जा सकते हैं, ये 10 to 12 hours लगता है। बाय बस और यू कैन बुक अ प्राइवेट कार। आप फुकेट से क्राबी जा सकते हैं बस लेके या तो प्राइवेट कार बुक करके भी। अगर आपका डेस्टिनेशन फर्स्ट फुकेट है, देन आप फुकेट से आइलैंड्स विजिट कर सकते हैं। उसमें से फीफी आइलैंड तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप ये आइलैंड फुकेट से भी जा सकते हैं या तो फिर क्राबी से भी जा सकते हैं। आपको जहाँ पे भी जाना पसंद है, फुकेट या क्राबी, एक जगह से दूसरे जगह आप बाय कार जा सकते हैं या तो फिर फेरी लेके भी जा सकते हैं। और कोई भी आइलैंड्स आप चूज कीजिए, जैसे वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स पॉपुलर है, ये सब आप लोग बुक कर सकते हैं लोकल एजेंट्स के थ्रू, या तो फिर आप लोग पहले से ही ऑनलाइन बुक करके जा सकते हैं। फुकेट क्राबी में सी बीचेस तो बहुत सुंदर है, इसके साथ आप लोग वहाँ के टेम्पल्स भी विजिट कर सकते हैं जो बहुत पॉपुलर से। इसके बाद आप लोग बकेट लिस्ट में चेंग माई और चेंग राई भी प्लीज रखिए, ये सजेस्टेड है एंड मोस्ट पॉपुलर है जिनको पहाड़ पसंद है। माउंटेन सुहा का तो बहुत सुंदर है और ये जगह थाईलैंड के नॉर्थ साइड पे है। इसमें से चेंग राई के बहुत सारे टेम्पल्स है, लाइक वाइट टेम्पल्स, ब्लू टेम्पल्स, ब्लैक टेम्पल्स और टी गार्डन्स, ये सब जगह बहुत पॉपुलर है। वहाँ से आप लोग और भी बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन विजिट कर सकते हैं जो चेंग माई के अंदर है, और चेंग राई से भी विद इन 2 to 3 hours जर्नी में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो आई मस्ट से आप लोग जब भी आएंगे थाईलैंड में तो थोड़ा टाइम लेके अगर आ सकते हैं तो ये सब जगह तो एक बार ज़रूर घूम के जाइए। ये सब जगह छोड़ के भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है, लाइक को समुई, कोलान, देन और भी बहुत सारे आइलैंड से, माउंटेन से, सिटीज है जो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर यहाँ पे आके 1 month तक सिर्फ रहते हैं सब जगह घूमने के लिए। या तो फिर अगर थाईलैंड से आप लोग दूसरे कंट्री जैसे मलेशिया या सिंगापुर जाना चाहते हैं तो बाय फ्लाइट तो हर कोई जा सकता है। अगर ट्रेन का ट्रिप लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट्स कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ साथ आप लोग प्लीज़ ये भी बताइए कि आप लोग कौन से कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, और आगे आपके बकेट लिस्ट में कौन कौन सा कंट्री है, और आप कौन से कंट्री से यहाँ पे आने के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है एंड एन्जॉय भी किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून विथ माई न्यू वीडियोस। बाय, सी यू। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। Sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boys.